अच्छा छबड़िया नहीं क्यों किसी के इंतजार में बैठे हो? अरे बड़े बुजुर्ग नशा करके बैठे थे, मत सुना करो। इसका इंतजार कर रहे हो, वो वक्त जरूर आएगा। नहीं आएगा, हिला के सो जाओ। नहीं आएगा वो वक्त जिसका इंतजार कर रहे हो तुम। अबे साले, फेसबुक पे बातें भी ऐसी सुनने को मिलती है ना मेरे को, मैं क्या मैं जवाब देने बैठू, शायर खुद ऊंची खड़ लेगा। मतलब एक शायरी मिले मुझे, इरशाद दीजिएगा। तो अर्ज किया है कि तेरे बगैर किसी को देखा नहीं हमने, तेरे बगैर मतलब तेरे सिवा मैंने किसी को नहीं देखा, तेरे बगैर किसी को देखा नहीं मैंने, तो सूख गया वो फूल गुलाब का पर फेंका नहीं मैंने। तो सीधा सीधा बोलना, तू कबाड़ी वाला है, हैं? रद्दी इकट्ठा करना चाहते तू, मेरे घर से भी ले जा। अरे रोमांटिक कर रहे हैं, कबाड़ी का बिजनेस एक्सपेंड करना चाह रहे तू? मैं नहीं बताऊंगा। अब पता है इन शायरियों की बुराई क्या होती है कि तुम पढ़ के ना थोड़ा रोमांटिक भी हो जाते हो और फिर तुम्हें प्यार में भरोसा हो जाता है कि हाँ भाई उम्मीद है। मैं चला गया इंस्टाग्राम पे, मैंने रेंडम जो भी मेरे को खूबसूरत लड़की देखी मैंने मैसेज मारना शुरू कर दिया। मैंने एक कम भेजा हाय, उसका आया हेलो, तो ऐसी हाय हेलो होती थी। तो मैंने उससे जानने के लिए पूछा कि भाई तुम्हारे घर में तेरे कितने भाई हैं? हरामन सामने से कहते तुमको मिला के चार। अबे सैया बनना है भैया नहीं मेरे को। तुम्हें पता है सब कुछ भी नहीं हुआ, मैं इंस्टाग्राम यूज ही नहीं करता, बट फिर भी जोक मारेंगे। कल इस लाख गुना अच्छी तो मेरी एक्स हुआ करती थी, जो कम से कम भरोसा करती थी मुझ पे, पूछती थी मुझसे कब तक दोगे साथ मेरा। मैं कहा जब तक तुम देती रहोगी। नो डाउट हमारा ब्रेकअप हो गया। सही बात है, ये मजा आया। अभी कोई मिल नहीं रही है को, तो मैं चला गया अपनी एक्स के पास फिर से मुंह मारने कि क्या पता पड़ जाए, हैं? बेनिफिट वाला भी सीन हो सकता था। साले अभी तक उभरी ही नहीं मेरे ब्रेकअप से, मेरे प्यार में डूबी पड़ी है। बट कहती मेरे को मेरे दिल में तुम्हारे लिए जगह नहीं है। साला मेरे को भी गुस्सा आ गया, इतना एफर्ट मार रहा हूँ लेट नहीं, दिल में जगह नहीं होने लगे तो दिमाग में रख ले, वो तो खाली है ना तेरा। गजब बेइज्जती है। और भाई साहब ठरक, मैं ढूंढने की कोशिश भी क्यों ही करूं, फेसबुक और ट्विटर दोनों मेरे मुंह पे आके बोल रहे हैं भाई देख तूने छोड़ा ना लड़कियों ने ठरक संभाल लिया। अबे आज तक इस चैनल पे हमने बहुत ठरकी चीजें करी हैं और लड़कियों से रिलेटेड भी कि लड़कियां भी ठरकी होती हैं। प्राइम एग्जांपल देखना, अभिषेक आनंद पे एक वीडियो अपलोड करी है मैंने, उसका सेकंड हाफ देख लो। फिर भी सैंपल के तौर पे दिखा देता हूं मैं तुम्हें। बलून सॉफ्ट है ना? सॉफ्ट है ना भाई, गॉड कसम से बोल रहा हूँ अगर ऐसी लड़की भी मेरे साथ होगी ना वो कभी मुंह नहीं खोलेगी अपना। अबे खराब में वो नहीं बोल रहा हूँ मैं, वो नहीं बोल रहा, तुम कहाँ पहुंच जाते हो बीजे बीजे करने। अगर मेरे को कोई लड़की बोलती ना कि मैं बोलता बलून सॉफ्ट है ना और इस टोन में कोई बोलता मैं कहा नहीं नहीं इतने सॉफ्ट नहीं है, तुम्हारे जितने नहीं है, एक बार चांस तो दो मैंने का। प्लीज स्टिल सोबल कर भाई, मेरे को जज मत करो, मेरी तरफ तो देखो भी मत क्योंकि मैं नहीं लिखा है गाना अरे कि मैं लौंडा नशे में मैं चूर हूं। यार ये इतना ही छोटा होता है क्या? बहुतों का तो इससे भी छोटा होता है। ये तो ट्विटर पे था इसलिए मैं अभिषेक आनंद पे कर दिया, फिर मैं फेसबुक पे था, फेसबुक पे मुझे क्लिप मिली, देखो जरा। एक बात पता चला अभिषेक, छोड़ तुम ऐसा किस करना चाहती है? यार मैंने भी ना ऐसे सपने में तेरे को किस करने की बहुत कोशिश की है। नाक बीच में आ गई? नहीं टांगे। मैं बता रहा हूँ ये बंदा वर्जन है, बता रहा हूँ ये बंदा वर्जन है, ऐसे कैसे कर रहा है, ऐसी कौन सी पोजीशन में है भाई, टांगे बीच में आ रही है तेरे। हमने तो किया हुआ है टांगे उठा के भी किस, और पकौड़े जब तू वो मचा रहा है वहां पे तो चुम्मा चट बेस लेवल पे क्यों जा रहा है जब एडवांस लेवल पे है तू, और इस पे लड़की शर्म आ गई। अबे हमें मिल नहीं रही, तू तड़पा रहा है, इसको तेरा तड़पा है, मेरे को आवाज तड़ पा रही है। ये तो बहुत पिघल गया है, इतनी गंदी बातें करता है। कोई बात नहीं आगे से नहीं करूंगा, पीछे से करूंगा। हाँ बहुत फनी पीछे से करूंगा। अबे अननेचुरल सेक्स में इलीगल है, ऐसी बातें ओपनली मत कर, फंस जाएगा। आगे से नहीं पीछे से करूं मैं, कहा पहले एक मिनट लड़की की शक्ल देखो, फिर लड़के की शक्ल देखो, फिर मेरी शक्ल देखो, मेरे में क्या खामी है? ये हूर पर इसको कैसे मिल गई? सिर्फ बालों की वजह से, चश्मा मैं भी पहनता हूँ। वैसे भी एक क्लिप मिली मुझे दूसरी, ये अभी कंटिन्यू करेंगे इसको, बट दूसरी क्लिप देखो। ये किसका बोल है? किसका बोल है? ये तुम्हारा ही होगा, मेरा नहीं है। किसका बोल है? झूठ मत बोल मेरे से। तुम्हारा ही बाल है, किसका बाल होगा, किसकी बातें कर रहे हो? अब ये क्लिप देख के ना सारी लड़कियां टेंशन में आ गई। पूछो क्यों? कि गलती से कल को उन्हें अगर मेरे जैसा बंदा को डेट करना पड़ा तो वो चीट तो नहीं कर सकती।
ये किसका हुआ? तुम्हारा ही आप। आज तेरी बिंदी काफी काफी कम दिख रही है। और बड़ी लगानी चाहिए थी। बढ़िया। तुम्हारी नजर मेरे होठों से हटे तब ना तुमको अच्छी लगी। हमारी निगाहें तो आपके होठों पे ठहर जाती हैं। आज तुम्हारे होठ भी हमारे होठों पे ठहरे। तुम में से कितने लोग इसकी होठ ऑब्जर्व कर रहे थे पहले तो मुझे ये बताओ। थोड़ा कैमरा नीचे क्यों नहीं है? मैं तो तुमसे ये सोच रहा था तुम्हारे होठों से होठ। अरे तेरी टांगे हवा में है, वो नहीं कर सकता होठों से होठ। अभी तो थोड़ी देर पहले बोला साली गजनी। अरे यार भैया तुम सबको पता है ये स्क्रिप्टेड है। ये स्क्रिप्टेड है, ऐसे कोई बात नहीं करता भाई। बट साले क्यों कर रहे हो? अभी ठंड भी प्रॉपरली खत्म नहीं हुई तुम अभी भी चलाए जा रहे हो। साले पहले वैलेंटाइन वीक में गिलसा दिया तुमने मुझे, अभी ये दिखा के गिलसा रहे हो? शर्म आया नहीं है तुम्हें? नहीं। आओगे तो मेरे लिए चॉकलेट्स लेते आओगे ना? क्यों नहीं। कौन सी वाली? 30 रुपए वाले भी और 100 रुपए वाले भी। अरे मैं कह रहा हूँ छोड़ उसको, तुमसे ओमेगल करने से फुर्सत नहीं मिल रही। मेरे पास पहले से बड़ा चॉकलेट चाहिए किसी को, अभी भी बोल रहा हूँ। पलट गए तुम चॉकलेट डे के बाद से। दिलवा दो, मतलब मिलवा दो मेरे को, मैं चॉकलेट दे दूंगा। 30 वाली भी 100 वाली भी, मैं तो महंगी वाली भी दे दूंगा। यू नो तेरे लिप्स काफी शाइन कर रहे हैं ना वैसे। पिछवाड़ा भी ऐसे शाइन करता भाई। ये स्क्रिप्टेड है, तुम जाके किसी लड़की से ऐसे बात मत कर देना। तुम चैट में ये बोल रहे हो, वीडियो कॉल पे ये बोल रहे हो, नेक्स्ट टाइम यू कांट सी दिस प्रोफाइल पे की आ रहा होगा। और ये बंदा पिछवाड़े से इतना ऑब्सेस क्यों है? टट्टी खानी है तुझे? अलग टट्टी बातें कर रहा है, कोई भौंक रहा है पीछे। तेरे जात के पूछ लो क्या हो रहा। कराली बेइज्जती है, आ गया स्वाद। नो डाउट हर आदमी कुत्ता होता है। ऐसी हरकतें करोगे तो लड़कियों सही गाली खाओगे। मैं क्या झाड़ू? अरे मैं बोल भी नहीं सकता ना बंदे को कुछ, जितनी बातें अभी तक सुन ली है। एटलीस्ट के पास बंदी तो है बोलने के लिए। हम तो अपने ही एक बात है यार, तुम काटोगी तो नहीं? तुम लोगों को ये फनी लगा होगा है ना भाई? इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है, वो स्त्री है, वो काटेगी, चाहे मुंह में धो या ना धो, बॉडी पे काटेगी। लव बाइट उतर गया और वैसे भी काटेगी। ट्रू स्टोरी। तो मेरे में सबसे अच्छा क्या लगता है? दो बड़ी वजह हैं तारीफ करने के लिए। रुको जरा, सबर करो, अभी बड़ी हंसी आ रही है ना, जवाब सुनो इसका पहले। काश तुम्हारी वजह भी बड़ी होती, मैं भी सेम बोलती। खत्म। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। यार गलती से ना ब्लैक बेडशीट ले आया हूँ यार। मैं बस ये पूछ रहा था, क्या तुम मेरी मदद करोगी उसे सफेद करने में? अभी ना क्या कर रही है? अभी बोल रही थी मुंह में मत देना। अभी साइज की बात कर रही थी, ब्लैक एंड व्हाइट करना है तो रेड एंड व्हाइट करेगी तू? क्या मैं बता रहा हूँ, लड़कियों पे भरोसा करना नहीं चाहिए। इतना मूड बना मिला क्या? कुछ भी नहीं, कट गए फटते। काटोगी तो नहीं मुंह में? हमारे यहाँ पे लड़कों को दहेज देना पड़ता है। दहेज में क्या देना पड़ता है? सोना। वो तो रात में दूंगा ना। बाकी नहीं बजा रहा, मैं इतना बच्चों वाला बना दिया ना, हाँ देना पड़ता है। मैं का क्या देना पड़ता है? मैं लड़की की जगह पे होता मैं बोलता पिछवाड़ा सोना चाहिए। वो तो रात में क्या तुमने आपस में डायलॉग बना रखे? जाओ ना, क्या ठरकी बनोगे तुम? साला मैं तो वेट कर रहा था कि ये वो वाला घटिया जो भी मार दे कि चलो मम्मी चिल्ला रही है, और लड़का बोलता अरे तो पापा को बोला धीरे से करें, और लड़की से अबे इतने पुराने पुराने जो कि आधे से ज्यादा जो तो मैंने मारे हुए होंगे इसी चैनल पे। बाकी फनी नहीं, एंड करने के लिए मेरे पास एक क्लिप है, पता नहीं कौन सी भोजपुरी फिल्म का शायद, कि बंदी भाग रही होती है और उसके पीछे गुंडे भाग रहे होते हैं, गुंडे उसका कपड़े फाड़ते हैं, बंदी टकराती है गाड़ी से, बंदा देखता हीरो, देखता बंदी, देखता विलन, बंदे को आता गुस्सा, बंदा गाड़ी से उतरता है और विलन की तरह देख रहा होता है। इतने में जो लड़की थी वो ही लात मार देती है हीरो को, फिर पता चलता वो बंदी थी ही नहीं, उसने विग पहनी हुई थी। मोए मोए पता नहीं मोए मोए से क्या मजे आने लग गए मुझे। बड़ा पहले बड़ा इरिटेटिंग लगता था, अब मजा आता है। चलो बाकी 8 मिनट हो गए तो मेरी किस्मत नहीं हुई तुम्हारी किस्मत, कल मिलता हूँ, पीस आउट। आज का क्या? दुनिया में खुद की समझदारी ही मायने रखती है, दुनिया में अपनी समझदारी ही मायने रखती है। क्योंकि अगर देखा जाए तो अर्जुन और दुर्योधन दोनों के गुरु एक ही थे। ट्रू स्टोरी ब्रो।